मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप किस तरह नष्ट हुए वीर की भरपाई कर सकते हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन पदार्थों का आपको सेवन करना चाहिए जिससे आपके वीर की भरपाई हो सके। मित्रों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। युवाओं की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को जरूर दबाएं। मित्रों, मैंने टेलीग्राम पर ज्ञान की ज्योति नाम का चैनल बनाया है, जाएं और उसे भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीर हमारे शरीर में एक राजा की तरह होता है। यदि वीर रूपी राजा यदि पुष्ट है तो रोग रूपी शत्रु कभी भी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर रूपी राजा निर्बल होता है उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, मतलब वीर नाश ही मृत्यु है और वीर रक्षण ही जीवन। आयुर्वेद के अनुसार वीर हमारे शरीर का सार तत्व है। एक स्पर्म को परिपक्व होने में 64 दिन या 2 महीने का समय लगता है। स्पर्म परिपक्व होने के बाद ही वह ओज में अपने आप परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, कभी आपने गन्ने को देखा है? जो हाल गन्ने से रस निकलने के बाद गन्ने का होता है, वही हाल ब्रह्मचर्य ना रहने वाले व्यक्ति का होता है। मित्रों, भले ही आप ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन कर लें, लेकिन यदि आपके मन में काम भोगने की इच्छा शेष है तो मन आपको किसी भी तरह से भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए ध्यान के द्वारा मन को निर्मल करना भी जरूरी है। मित्रों, वीरहीन व्यक्ति को कोई भी तार नहीं सकता और वीरवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल मृत्यु मार नहीं सकता। सच पूछिए तो वीर ही हमारे शरीर में अमृत की तरह है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण कई दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और इतने सामर्थ्य और संपन्न हुए। यदि हम भी वीर रक्षा करें तो हम भी प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं, क्योंकि वीर रक्षा आत्मद्वार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन है। मित्रों, वीर की भरपाई करने के लिए हमें फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हो सके तो दूध को केले के साथ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा वीर गाढ़ा हो जाता है। जिस व्यक्ति का वीर जितना अधिक गाढ़ा होता है वह उतने ही लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रह पाता है। मित्रों, मॉर्निंग में रनिंग के बाद यदि आप अनार के जूस का भी सेवन करते हैं तो यह भी आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इससे भी वीर की ग्रोथ ज़्यादा तेजी से होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको योग, प्राणायाम और व्यायाम को भी करना चाहिए। मित्रों, रात को सोने से पहले 2 मुट्ठी काले चने रात में भिगो दें और सुबह रनिंग, योग, व्यायाम और प्राणायाम के बाद चनों को खूब चबा चबा के सेवन करें। इससे भी आपके शरीर में वीर की ग्रोथ तेजी से होती है और व्यक्ति का स्टेमिना भी मजबूत हो जाता है। मित्रों, गाय के दूध का सेवन करने से वीर में तेजी से वृद्धि होती है। मित्रों, यदि दूध में हम शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो उस दूध से हमारे स्पर्म काउंट की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है और इस दूध को सेवन करने से हमारे शरीर से कई सारे रोग ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं और हमारा वीर अधिक गाढ़ा हो जाता है। मित्रों, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए जिससे मैं भारत के युवाओं को जागरूक कर सकूं। इसीलिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओम नमः शिवाय।